सलाम अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ समोसा पट्टी। ये देखिए कितनी पतली पतली, कितनी अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं इसमें से मेरा हाथ दिख रहा है पिछली साइड से, माशाल्लाह। तो ये रेसिपी कैसे बनाते हैं देखते हैं, आइए चलिए। ये ली हूँ मैंने एक कटोरी मैदे का आटा, भर के लेना है। और यहाँ पर ली हूँ मैंने इसको छान के, छानना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पर पहले इसको छान ली हूँ। और यहाँ पे लूँगी मैं स्वाद के हिसाब से नमक। नमक की क्वांटिटी हमको थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है इसमें। और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सी पानी। अब इसमें डालूँगी आटा धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, और हाथों की मदद से इसको अच्छे से गूंद लूँगी। याद रहे कि आटे को हमको ज़्यादा घट भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर ले पानी के साथ, और पानी थोड़ा थोड़ा करके हमको डालना है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह का हमको आटा चाहिए। आप देख सकते हैं। अब इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। ये हमारे यहाँ पे 10 से 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। और एक दो मिनट के लिए, ये देखिए आटा बहुत अच्छा हमारा, ना सख्त है और ना सॉफ्ट है, एकदम अच्छा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह की हमको कंटेंसी चाहिए इसकी। और इसको एक दो मिनट के लिए फिर से इस तरह से हाथों की मदद से ऐसे गूंद लेंगे। अब इसके हमको बनाना है छोटे छोटे पेड़े। पेड़े हमको ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाना है और ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाना है, और तवे की साइज़ से ही बनाना है। अगर तवा छोटा है तो छोटे छोटे गोलियां बनाना है, और उसी साइज़ की रोटी बनाना है, और बड़ा है तो बड़े बड़े बनाना है गोलियां। ये देखिए इस साइज़ की बना रही हूँ मैं, थोड़ा और बड़ा लूँगी। इस साइज़ की सारी गोलियां हमको बनाकर तैयार करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारे 6 पेड़े बनके तैयार है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने ली हूँ सूखा मैदे का आटा। इस पर हल्के हाथों से सब डस्टिंग करेंगे ताकि आपस में एक दूसरे में चिपके ना। और रोटियाँ बेलने की जगह को भी मैंने एकदम अच्छे से यहाँ पे साफ कर ली हूँ। यहाँ पे हम हमारे समोसा पट्टियाँ बनाएंगे। और यहाँ पे ली हूँ एक प्लेट में मैंने सूखा आटा, और ये ली हूँ मैंने घी। घी को मैंने अच्छे से गर्म करके ली हूँ। और आप हो सके तो डालडा भी लगा सकते हैं, लेकिन तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये मैंने घर का बना हुआ मेरा घी है, इसकी रेसिपी मैंने वीडियो में डाली हूँ। तो हमको देखिए करना क्या है, इस तरह से एक एक पेड़ा उठाना है और इस तरह से सूखे आटे में डिप करके हमको हल्के हाथों से बेलना है छोटी छोटी साइज में। और साथ ही साथ मैंने रोटियां बेलने तक तवे को भी हल्की आंच पे, बारीक आंच पे गर्म होने के लिए रखी हूँ। देखिए इस तरह से हमको बेलना है। इस साइज की रोटी हमको सारी बेल लेना है। ये देखिए कितनी गोल, कितनी अच्छी है ये, माशाल्लाह। अब इसको उठा के हम साइड में यहाँ पे रख देंगे, और दूसरा पेड़ा लेंगे आटे का गोला। इसको भी इसी तरह से डस्ट करेंगे आटे में, और इसी तरह से इसको भी उसी साइज का बेल लेंगे जो हमने पहली रोटी बेली है। ये जो हमने घी लिए है, और इसको इस तरह से आटे में डिप करना है पूरा रोटी को, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से डिप करना है, और इसको इस तरह से झटक लेना है।
देखिए इसे, इसको ऐसे झटक लेना है और इसके ऊपर आटा पूरा इस तरह से फैला लेना है। उसके बाद हम इसमें तेल लगा, ये घी लगाएंगे, सॉरी घी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। फिर ये रोटी उठा के इस पर रखना है इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह बराबर एकदम परफेक्ट आई है। अब इस रोटी को उठा के दूसरी प्लेट में रखना है एकदम आहिस्ता से। ये देखिए इस तरह से सारी रोटी की एक के ऊपर एक लेयर लगाना है हमको अच्छे से। आप 5 की भी लगा सकते हैं और 6 की लेयर भी लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं सारी रोटियां बेल के इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख लूँगी और इसको अच्छे से, जितना हमारा तवा है ना, जितना बड़ा तवा है उसी हिसाब से हमको इसको बेलना है रोटी। इस तरह से हल्के हाथों से बेलना है। देखिए इसे चारों तरफ से इसको अच्छे से बेल लेना। किनारों को हो सके तो जितना हो सके उतना किनारों को अच्छे से बेल लें, किनारे मोटे नहीं रहना चाहिए। इस तरह से ये देखिए, ये पूरी रोटी हमारी बेल के हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी रोटी बेल गई है। अब तवा भी हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने बारीक आंच पे रखी थी तवे को गर्म होने के लिए। ये देखिए तवा हमारा बारीक आंच पे एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। ये उठाऊंगी मैं यहाँ से रोटी, ये देख सकते हैं आप, और इस पर डाल दूंगी। ये देखिए परफेक्ट हमारे तवे की साइज़ की हमारी रोटी बनी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं गैस को बड़ा कर दूंगी। रोटियों को हमको ज़्यादा सेकना नहीं है, ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से इसको बनाना है। अलट पलट करते हुए हमको इसको, ये देखिए फटाक से चेंज करना है इसकी साइड। ये देखिए आराम से ही निकलते जाएंगे, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से हमारी रोटियां निकल रही है। अब यहाँ से पलट दूंगी मैं। एकदम गर्मा गर्म है ना ये रोटी, ये देखिए मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा इसमें से कितना क्लियर दिख रहा है ना। एकदम पतली पतली हमारी समोसा पट्टियाँ बन के तैयार है। फटाफट से इसको पलटना है। गैस को मैंने यहाँ पे थोड़ा बारीक कर दी, बहुत गर्म गर्म है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बन रही है। और उसी तरह से हमको लेयर लगाते जाना है एक के ऊपर एक। ये हमारी समोसा पट्टियाँ एक 10 मिनट के अंदर बन के एकदम तैयार है। यहाँ पे मैं गैस को बंद कर दूँगी। ये देखिए ये लास्ट वाली थी, छट्टी वाली। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ना, बिना चिपके बिना कुछ हुए। देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा इसमें से एकदम क्लियर। चलो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ साइड में। बहुत ही अच्छी बनी है, ये देखिए आप देख सकते हैं ना। ये देखो कितनी अच्छी बनी है ना हमारी। तो अभी हमको इसको कट करना है, तो ये मैं हटा दूँगी पोलपट साइड में। और इसको हमको एक के ऊपर एक इसी तरह से रखना है, जिस तरह से हम लोगों ने रखे ना पहले वैसे ही रखना है।
ये देखिए ऐसे खुली खुली करके ऐसे रखना। ये ऊपर नीचे की साइड थी ना, तो तवा गर्म होने का, जैसे ये इस तरह का होता ही है, तो बीच की लहरें देखिए ना आप कितनी अच्छी अच्छी बनी है। ये देखिए ये बीच की लहर थी, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनती है ये रेसिपी। आप ज़रूर समोसे रमज़ान में बना के देखिए, इसके बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं, और असली घी के हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं ये। तो अभी मैं इसको कट करूँगी। आपको जिस साइज़ की समोसा पट्टी रखना है उस साइज़ की आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 इंच की पहले पट्टी कट करूँगी समोसे की, और इसकी पहले इस तरह से ये लेयर निकालूँगी कोने की। इसको भी हमने फेंकना नहीं है, ये बहुत कामों में आते हैं, दूसरी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ जो बनाने में काम में आती है ना उस तरह से। तो इस तरह से देखिए मैं इसकी 4 इंच की पहले पट्टी कट करूँगी। तो ये देखिए बराबर मैं 4 इंच की पट्टी कट करूँगी मेजर टेप के हिसाब से। मैं नहीं चाहती कि मेरी रेसिपी बिल्कुल भी फेल हो समोसा वगैरह बनाने के टाइम पे। तो ये देखिए इस तरह से मैं 4 इंच की पट्टी कट करूँगी। अब इस तरह से अंदाजे से तो बिल्कुल भी नहीं कट करूँगी मैं इसको, मेजर टेप के हिसाब से कट करूँगी। तो इस तरह से मैं 4 इंच की पट्टी कट करूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी समोसा पट्टी बनके तैयार है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया बनी है। इसी तरह से ये वाली भी मैं इसके ऊपर रख के कट कर दूंगी। इस तरह से इस तरीके से माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी समोसा पट्टी बन रही है। और इसको इस तरह से किनारे बराबर सेंटर में रख के कट करेंगे। ये कतरन बहुत काम में आती है, फेंकना नहीं है उसको, यूज़ करना है, पापड़ी वगैरह बनाने में भी बहुत अच्छी काम में आती है वो। ये देखिए इसी तरह से मैं इसको यहाँ से भी किनारे से कट कर लूँगी। कि माशाल्लाह हमारी समोसा पट्टी एकदम बनके तैयार है। और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, जब भी आपका दिल करे मन करे तो आप बना के खा सकते हैं समोसे। कराची मैंने कैरी बैग ली पन्नी, और इसके अंदर मैं लगाऊंगी घी। तो ये जम गया है देखिए रोटियां बनाने के बाद, और इसको अच्छे से पन्नी के अंदर इस तरह से लगा लूँगी, ताकि समोसा पट्टी अंदर रखने के बाद ना एक दूसरे में चिपके ना। तो फ्रीजर में रखना है हमको, और जब रमज़ान शुरू होंगे तो रमज़ान में जब भी हमारा दिल करे रोज़ों में तो हम ये बना के खा सकते हैं। इस तरह से ये ऊपर नीचे से एक दूसरे में चिपक जाएगा तेल घी। इधर साइड से लगाने की ज़रूरत नहीं, एक दूसरे में ही चिपक चुका है अच्छे से। तो ये हमारी समोसा पट्टी हम लोग इस तरह से उठाएंगे, और आधे आधे करके अलग अलग जगह पे रखेंगे इस तरह से। माशाल्लाह ये देखिए हमारी समोसा पट्टी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है ना, और इस तरह से हम लोग इसको उठा के इसमें रख देंगे। बहुत पतली पतली बनी है, आप घर में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए। इसको भी उठा के इस तरह से इसमें रख देंगे। इस तरह से
और ये जो कतरन है ना, ये कतरन भी हमको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, ये कतरन भी हमारे बहुत काम में आती है। इसकी भी हम पापड़ी वगैरह बना के तल के खा सकते हैं, इफ्तार में कोई भी चटनी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। इसको भी मैं इसी तरह से लगा के रख दूँगी। इतनी छोटी छोटी खिली खिली बनी है ना, ये इतनी खुली खुली बनी है एकदम अच्छे से, तो ये फटाफट एक दूसरे से लेयर में से खुल खुल के निकल के जा रही है। तो आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए मुझसे अगली वीडियो के साथ, और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। और इस तरह से इसको पैक करना है तो इसकी हवा बिल्कुल भी बाहर ना जाएगा, इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।